अंदर कैसे जाने? बंद हो गया इस टाइम, बंद हो गया है। ओ बहुत ठंडा ठंडा। तो गाइस आज हम जाने वाले हरिद्वार के प्राचीन मंदिर। तो गाइस आज कुछ इस तरह से हमारी ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है और मॉर्निंग होते ही हम निकलते हैं मंदिर के लिए। तो दोस्तों ये है रास्ता जो कि हम चलते हुए जा रहे हैं। यहाँ से चढ़ाई कुछ पड़ती है और हम जंगल की तरफ बढ़ते जाते हैं। हाँ जी गाइस, फाइनली अपने यहाँ विलेश्वर मंदिर पहुँच चुके हैं। गाइस ये जंगल से एरिया मतलब जाता है और सामने मंदिर दिख रहा है। दादी कहाँ रह गई? आ जाओ गाइस, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। उत्तराखंड में यूं तो शिव के बहुत से मंदिर हैं। इन मंदिरों के बारे में हम आपको जानकारी देते रहते हैं। इन शिव मंदिरों का ज़्यादातर संबंध पांडवों या महाभारत काल से जुड़ा मिलता है या फिर भगवान शिव और माता पार्वती के अटूट बंधन से। उन्हीं मंदिरों में शामिल है हरिद्वार में स्थित बिल्केश्वर मंदिर, जिसे बिल्केश्वर के नाम से जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों इसे भी एक्सप्लोर करते हैं, इस मंदिर को भी। बिल्केश्वर का मंदिर सबसे पहले जिक्र स्कंद पुराण के केदारखंड में आता है। यही वजह है हरिद्वार के निकट स्थित बिल्केश्वर महादेव का संबंध आदिकाल से बताया जाता है। कहते हैं कि इस स्थान पर देवी पार्वती ने शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें एक वृक्ष की शाखा के रूप में दर्शन दिए। यही नहीं, उन्होंने माता पार्वती को विवाह का वरदान भी दिया। तो गाइस अब चलते हैं प्राचीन गौरी कुंड द्वार की तरफ। गाइस ये रहा द्वार और अंदर चलते हैं यहाँ पर। मुझे बंदर हुआ, मम्मी इधर आओ। बंदर की तरफ देखना नहीं जीवा, ठीक है? ये बहुत देखो शैतान है, अभी बंदर की तरफ उठ उठ कर रहा था। आओ इधर चलो। मंदिर से जुड़ी दूसरी कथा है बिल्केश्वर मंदिर में स्थित गौरी कुंड की कथा, कि इस शिव मंदिर की उपासना के दौरान माता पार्वती ने बेल खाकर अपनी भूख को शांत किया, मगर जब उन्हें अति तीव्र प्यास लगी तो ब्रह्मा ने उन्हें अपने कमंडर से पानी दिया, जो कि एक कुंड के रूप में बिल्केश्वर मंदिर में मौजूद है। इस कुंड से माता पार्वती के पानी पीने के कारण यह कुंड गौरी कुंड के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कहते हैं कि गौरी कुंड का जल गंगा की तरह पवित्र है। इस कुंड में स्नान करने से सब पापों में मुक्ति मिल जाती है। इस मंदिर में और भी कुछ खास चीजें हैं। बिल्केश्वर मंदिर में शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। उनकी आरती को देखने अक्सर लोगों का आना जाना लगा रहता है। यह आरती सुबह और शाम दोनों वक्त की जाती है। इस मंदिर के भगवान शिव और माता पार्वती के अलावा छोटे छोटे मंदिर में स्थित हैं, जिसमें गणेश माता रानी और हनुमान की पूजा की जाती है। हरिद्वार रेलवे स्टेशन के नज़दीक स्थित यह मंदिर अद्भुत शांति देता है। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? घर बना रहे हो? यो मेरा भी बना देना यार। कैसे बना? देख कर। हाँ? देख।
अरे तुम्हारा मकान गिर गया क्यों शिवा? अरे वाह शिवा, बराबर में रखा जाता है, ऐसे नहीं, ये बराबर में, फिर इसके ऊपर ये इसको हटाओ, ये देखो हल्का सा ऐसा है, इसको हटा दो, ये रख दो, ये रख दो, वो बड़ा आला है, ये बात रोड तो नहीं है, फिर यहाँ पे रहने दो, बस ऐसे रहने दो, ठीक है, युवा का घर बन गया। Yes, you are.